हमारा पहला क्वेश्चन है, रूस के अलेक्जेंडर शस्टोव पर डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का। तो अलेक्जेंडर शस्टोव पर 4 साल का बैन लगाया गया है। ये पूर्व यूरोपीय हाई जंप चैंपियन है। डोपिंग इसका मींस होता है खिलाड़ियों द्वारा उन पदार्थों का सेवन करना जिनसे उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ सके, जिसके कारण वे खेल में अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन कर सकें, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है। और इस टेस्ट में अलेक्जेंडर शस्टोव फेल हो गए और इस कारण उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। रूस की कैपिटल है मास्को, करेंसी है रूबल, और ये यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो रूस के अलेक्जेंडर शस्टोव पर डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का। ये पूर्व यूरोपीय हाई जंप चैंपियन है। डोपिंग का मींस होता है खिलाड़ियों द्वारा उन पदार्थों का सेवन करना जिनसे उनकी आंतरिक शारीरिक क्षमता बढ़ सके, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है। रूस की कैपिटल है मास्को, करेंसी है रूबल, और ये यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस राज्य ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है, और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बगीचे विकसित करना, यही इस पंचवटी योजना का उद्देश्य है। हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और सीएम है जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो किस राज्य ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश ने। और उद्देश्य ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बगीचे विकसित करना। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? मुंबई। मुंबई प्रवासियों के लिए वैश्विक स्तर पर 60वें स्थान पर है और कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में एशिया में 19वें स्थान पर और वैश्विक स्तर पर ही 101वें स्थान पर, चेन्नई 143वें स्थान पर और विश्व के सबसे महंगे टॉप 3 शहर। पहले नंबर पे है हांगकांग, दूसरे नंबर पे है तुर्कमेनिस्तान और तीसरे नंबर पे है टोक्यो जो कि जापान में है। तो मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। वैश्विक स्तर पर 60वें स्थान पर, एशिया में 19वें स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर ही न्यू दिल्ली 101वें स्थान पर, चेन्नई 143वें स्थान पर। विश्व के सबसे महंगे टॉप 3 शहरों के नेम हैं हांगकांग, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान और तीसरा है टोक्यो। टीसीएसआई ने किसके साथ साझेदारी की है? एनएसटीसी। टीसीएसआई ने एनएसटीसी के साथ साझेदारी की है। तो क्यों की गई है? Thank you.
एनएसटीसी के प्रशिक्षण पार्टनरों को देश भर के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड पर कक्षा आधारित कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए TCSI ने डिजिटल क्लासरूम तक पहुंच प्रदान करने के लिए एनएसटीसी के साथ में साझेदारी की है। TCSI, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक इकाई है। NSTC means National Skill Development Corporation. इसकी स्थापना 2008 में हुई और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। MD CEO है मनीष कुमार। तो TCSI ने किसके साथ साझेदारी की है? NSTC के साथ। क्यों की गई है? NSTC के प्रशिक्षण पार्टनरों को देश भर के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड पर कक्षा आधारित कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए TCSI ने डिजिटल क्लासरूम तक पहुंच प्रदान करने के लिए NSTC के साथ में साझेदारी की है। TCSI टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक इकाई है। NSTC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 2008 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, MD CEO है मनीष कुमार। भारत ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए समझौता किया? डेनमार्क। भारत ने डेनमार्क देश के साथ में बिजली सहयोग के लिए समझौता किया है। उद्देश्य है बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग बना रहे। तो बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग बना रहे, इस वजह से भारत ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की है। डेनमार्क ये यूरोप में स्थित है। कैपिटल है कोपेनहेगन। करेंसी है डेनिश क्राउन। और इंडिया, कैपिटल है न्यू दिल्ली और एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है और करेंसी है रुपीस। तो भारत ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए समझौता किया है? डेनमार्क। और क्यों किया है? बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग बना रहे, इस वजह से। डेनमार्क ये यूरोप में स्थित है। कैपिटल है कोपेनहेगन। करेंसी है डेनिश क्राउन। इंडिया, कैपिटल है न्यू दिल्ली और एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। करेंसी है रुपीस।
जियो प्लेटफॉर्म्स ने किस कंपनी ने 5.16 लाख करोड़ का निवेश किया है? ADIA। ADIA कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 5.16 लाख करोड़ का निवेश किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस का ही एक हिस्सा है, इसके अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी। ADIA आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1976 में हुई। हेडक्वार्टर है आबू धाबी में। जो कि UAE में है। और इसके संस्थापक और CEO हैं शेख हामिद बिन। तो जियो प्लेटफॉर्म्स में किस कंपनी ने 5.16 लाख करोड़ का निवेश किया है? ADIA ने। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस का ही एक हिस्सा है, जिसके अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी। ADIA यानी कि आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 1976 में हुई, हेडक्वार्टर आबू धाबी में है और संस्थापक CEO हैं शेख हामिद बिन। रोटरी इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? NCERT के साथ। तो रोटरी इंडिया ने NCERT के साथ साझेदारी की है। और क्यों? ई सामग्री को प्रसारित करने के लिए। तो रोटरी इंडिया ने ई सामग्री को प्रसारित करने के लिए NCERT के साथ साझेदारी की है। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं रमेश पोखरियाल। रोटरी इंटरनेशनल इसकी स्थापना 1905 में हुई। हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में है। और CEO हैं जॉन हैको। तो रोटरी इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? NCERT के साथ। और क्यों की है? ई सामग्री को प्रसारित करने के लिए। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं रमेश पोखरियाल। रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना 1905 में हुई। हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में है और CEO हैं जॉन हैको। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।